अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी हूँ ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो दुपट्टा मैंने उल्टा लिया हुआ है, उठा भी कह सकते हैं और उल्टा भी कह सकते हैं। और आज मैंने पहना हुआ है जी ये सिंधी ड्रेस। ये मेरे कब मैंने सिलाया था, क्यों बताऊँ ये मैं नहीं बताऊँगी कि ये पिछले साल ईद पर सिलाया था, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हम ईद पे कहीं भी बाहर नहीं गए, सिर्फ छोटी सिस्टर के घर गए। उसके बाद माशाल्लाह गेस्ट आते रहे, आज भी फुल डे गेस्ट। हाँ जी जी, अब हम जा रहे हैं बाहर। किधर जा रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या किसी और जगह जा रहे हैं, तो रहिएगा हमारे साथ। मैं बत्तियाँ बंद कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। आप लोग भी केयर किया करें, अपने लिए बचत किया करें, ठीक है। गवर्नमेंट का तो जो फ़ायदा है ही है, उनको तो पैसे मिलेंगे, तो आप भी केयर करें। ये है जी अल्लाह मालिक होटल, और अल्लाह ही मालिक था। इतना रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर हमें अक्सर के कैंट जाना पड़ा, तो हमने कहा चलो ग्रिल थ्रिल को इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो हम अब पहुँच गए हैं जी ग्रिल थ्रिल, और मैं बच्चों को कैरी करके ना तो उनको लेके जा रही हूँ। माँ सद के जय, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लूँ, साथ मेरे व्यूवर्स को मेरा ड्रेस नज़र आता रहे। तो फिर इसके बाद देखे जी, हम रमज़ान में तो कहीं भी नहीं निकले ना, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम आए हैं, और ग्रिल थ्रिल में इतना रश है। इनका खाना बहुत ही कमाल का होता है, या बटकरा ही या वो, तो इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था। सारे के सारे, मुझे लगता है कि सारे के सारे घर में औरतों ने स्ट्राइक कर दी थी कि जाओ हांडिया नहीं, जब कहानियाँ उन बारे ले आके दो। भाई औरतें भी क्या करें, पका पका के थक जाती है। कभी उनका भी दिल करता कि वो आराम से महारानियाँ बन के खाएँ और उनके आगे कुछ सर्व किया जाए। वो मर्दों कुछ सोचिया करो और सही बात है ना, यकीन माने सही बात है। औरत भी तो ज़ाहिर अपनी ड्यूटी, मेरी माँ कहा करती थी कि औरत को कोई छुट्टी नहीं होती, ईद वाले दिन सबको छुट्टी मिलती है। ये ऐसा काम है औरत का कि उसको छुट्टी नहीं मिल सकती है। लेकिन औरत को छुट्टी देनी चाहिए, रिलैक्स देना चाहिए, जितना एहसास करेंगे ना वो भी एहसास करेगी। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों को लाइन में, वड्डी सी लाइन में लग के ना जगह मिली गई। एक टेबल खाली हुआ तो चपट करके हम लोग सारे के सारे बैठ गए। हमने कहा भाई हमने नहीं उठना, उसने कहा अभी बाजी रिजर्व है ये देखें। हमने कहा हम नहीं जानते रिजर्व है, लक्ष पीर पे होन रही है, हमें बैठने दो बस। उसने कहा जी बुज़ुर्ग खवातीन हैं इनको बैठने दो, मुझे नहीं कहा अपनी भाभी को कौन है आई एम ए यंग, मेरा तो अभी शनाती कार्ड भी नहीं बना मेरा तो अभी शनाती कार्ड ही बना। नादरा वाले कहते हैं भाजी अजी उम्र छोटी है, थोड़ी पूरी हो जाए तो फिर थोड़ा शनाती कार्ड बनाना है। अच्छा जी, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो कि ये हो गया रमज़ान गुजरे, तो उसको खुश होना चाहिए। अल्लाह पाक की इतनी इतनी रहमतें मिली हुई हैं हम लोगों को, उसको इन्जॉय करें। इससे पहले कि हम लोग भूख से डिग जाते और मेरा भरा चुकना लग जाता हम लोगों को, किधर किधर से किस किस को चुकता है। उसे फ़ौरन ही चाह रहा था जोन से ना चिकन के पराठे मंगाए, उसने कहा बच्चों को हौसला मिल जाए। तो ये हम खा रहे हैं जी चिकन के पराठों को इन्जॉय, और मज़े के अंदर की बात बताओ, इनका बड़ा हैवी पराठा होता था, अंदर अच्छा खासा चिकन होता था, क्यों ऐसा ही है ना। तो चिकन अच्छा खासा होता था और अच्छी खासी इसने डो लगाई होती थी। इस दफ़ा उसे पतले पतले पराठे बना के दे दिए, चलो कोई गानी गुजारा तो करना ही है, और प्राइजेस भी इन्होंने आपका दिया, लेकिन चलो जब इन्जॉय करना है तो की हो गया, इतना तो होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, फिर इसके बाद ये हम खा रहे हैं जी पराठे, और पराठे सारे हम बच्चे हम जोन से मिल के इन्जॉय कर रहे हैं। और पता नहीं प्रिंस को क्या दिमाग में चला, उसने कहा आप लोग क्या घिसी पिसी जोन से हैं, कढ़ाइयाँ शराइयाँ खाते हैं। मैं तो नहीं कढ़ाई शराई खानी, मैंने तो न्यू डिश खानी। हमने कहा खा लो, कोई बात नहीं, खा सकते हो। तो फिर उसने कहा अब भाई को कि मेरे मेन्यू में ना ये भी शामिल कर लेना। तो भाई के पास ज़रा होता है क्योंकि हम उस बिल वही पे करता है। तो ये हम लोगों ने मंगाया चिकन चरगा, और उसने अच्छी तरह इसको फ्राई करके हम लोगों को दिया। साथ हमने दो कढ़ाइयाँ मंगाई, और मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, कभी भी बड़ी कढ़ाई ना मंगाया करें, हाफ दो मंगा लिया करें अंदर की बात है, फ़ायदा भी तो आप लोगों को दूंगा। कभी भी बड़ी कढ़ाई ना मंगाया करें, उनको क्या करें फाइन हाफ दो और ज़्यादा ग्रेवी काट दे, फिर वो समझ जाते हैं कि ये जो फैमिली है ये मिड फैमिली है, इन्होंने ग्रेवी ज़्यादा मांगी है। अंदर की बातें बताऊंगी, कि ये बातें आपको कोई भी नहीं बता सकता, जो बातें मैं आप लोगों को अंदर की सीक्रेट की बातें बताती हूँ, आप बताएं कौन कौन एग्री करता है। अच्छा पूरा व्लॉग देखा करो, क्यों नहीं देखते, इतने वक्तों से ये देखे, पूरा ज़माना मुझे देख रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। कभी मेरे पे तरस खाया करो, क्या होता है आप लोगों को। आप वीडियो देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट होगा ना, मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी है, ठीक है। अच्छा जी,
ये देखें जी, मैं चंगियाँ चंगियाँ बोटियाँ जो नहीं ना, मैंने पहली कार्ड कूड लई, मैंने कहा पहले मैं खा लूँ। मुझे ना बोन वाली बोटी पसंद है, च्युइंगम वाली बोटी आई डोंट लाइक, और उसके साथ लेग पीस मेरी प्लेट में कोई रख दे ना, मुझे दिल करता है वो लेग पीस उठा के ना उसको मैं दे मारूँ। इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है ना लेग पीस के ऊपर, पता नहीं क्यों। एक तो देखने वाला कहता है क्या ये लेग पीस खा रही है, बड़े उसका वो होता है, एक तो इंसल्ट होती है उस बंदे की, और दूसरा मुझे पता नहीं क्यों बड़ा चिढ़ चढ़ती है। मुझे बोन वाली लेग पीस के साथ जो होती है ड्राम स्टिक के साथ बोटी, वो नहीं वो वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं किसी की गेस्ट बनूँ तो आप लोग सिर्फ वही पकाना मैं इसलिए बता रही हूँ कि बंदा कि किसी का गेस्ट बने तो अगले बंदे ने पता होना चाहिए कि अगले बंदे ने की पसंद है। वो दावत का क्या फ़ायदा कि अपनी मर्जी की आप लोग पका लें। बस मुझे ये यकीन माने, ये मेरा सादा सा खाना, साथ प्लेट चम्मच और थोड़ी सी कढ़ाई और रोटी, एक नान या रोटी और कोक का गिलास, और सैलड में ना जोन सा ना सैलड ज़रूर होना चाहिए बस। देखो सैलड मुकमक गया तो मैंने फिर भी जोन सा ना प्याज जो बचे थे ना वही मैंने खा पी लिए हैं, ठीक है। और ये इधर हम खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, और मजाल यकीन करेगी सिर्फ इतने सालन के साथ ना मैंने इन्जॉय किया था, और मैंने कोई भी वो जोन सा ना रोस्ट नहीं लिया। रोस्ट जोन सा ना वो वैसे का वैसे ही बचा हुआ घर आया, सब ने वो पहले पराठे खा लिए थे, भाई ने चंगा किया कि बजाय कि घर वाले भुखे शोधे बने हैं तो भाई ने ना फटाफट पहले ही ऑर्डर दे दिया कि इनके जोन सी ना बेलियाँ फूल काट लूँ तो फिर बाद में ना ऑर्डर दे देता हूँ। और अभी हम खाना खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, मौसम इन्जॉय कर रहे थे, इतना सोना सोना आसे पासे, इतनी सोनिया सोनिया कुड़ियाँ दे, सोने सोने कपड़े दे डिज़ाइन, यकीन माने। फिर वहाँ खाते हम कम है, और मैं और भाभी भी डिस्कस ज़्यादा करते, उधर सूट वेखे उधर सूट वेखे, वो भाई ओढ़ते हैं हम ना डिस्कस तो करेंगे, रीसां पिटे तो नहीं है ना कि रीस लगाएंगे, अल्लाह ने जेन दिया हुआ अपने दिमाग के मुताबिक चलते हैं हम तो। किसी को देख लेना किसी ने इस तरह का काम कर लिया, हम उस रास्ता ही चेंज कर लेते हैं, ना भाई असी नहीं करना, एडे दिमाग असी खोते खो दिमाग ने साढ़े, कि असी फटाफट किसी की रीस कर ली, अपना दिमाग न्यू चलेंगे, न्यू ट्रेंड है, न्यू चलेंगे। अच्छा जी ये देखे छोटे ने मंगाया है, भाई ने प्रिंस ने, ये है जी पैरी पैरी और साथ अफगानी पुलाव। तो मैंने कहा सबसे पहले वड्डे हम करें। अच्छा जी ये था जी अफगानी पुलाव और उसके ऊपर उन्होंने पीस रखा हुआ था और पैरी पैरी जो सॉसेजेज है ना वो डाले हुए थे। जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं अफगानी पुलाव में नहीं बनाती, मैं फ्राइड राइस के ऊपर ना फ्राई ये जो चिकन पीस है ना मलाई में रख के मैं इसको जो है ना वो बनाती हूँ, उसके ऊपर जो है मैं हनी सॉस डाल के ना तो साथ फ्राइज रख के ना तो फिर वो मैं पैरी पैरी बनाती हूँ, या पैरी पैरी बाइट मैं बनाती हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा किसी दिन बनाऊँगी, सब मटीरियल पड़ा हुआ है, बस काम ये है कि रमज़ान में ओखे टाइम मेरे से उठानी था जाता, ठीक है, हिला तो बिल्कुल नहीं था जाता, मुँह में पानी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर करे बंदा इंडिया चीज़ा वेखे, थोड़ा ही हौसला है तुम वेख दो। खाना शाना हमने खाया और खा के ना तो ये देखे मैकडोनल्ड्स, मज़े की बात बताऊँ, हम मैकडोनल्ड्स को भला क्या कहते हैं लंगर खाना, वो इसलिए जब भी हम जाते हैं ना इधर लंबी सी लाइन लगी होती है, हमारे बच्चे पूछते हैं मामा ये इधर लाइन क्यों लगी होती है, क्योंकि उनको फ्रोग फ्रेंगोज की तरफ उनका जेन है। तो पापा ने ना एक दफ़ा उनको कह दिया कि इधर ना लंगर मिलता है, तो लंगर का मतलब होता है कि फ्री में खाना मिलता है, तो ये सारे लोग ना लाइन में लगे होते हैं कि फिर बारी बारी गाड़ियों में देते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं पापा हम भी किसी दिन लंगर खाएंगे, हमने कहा चलो ठीक है बड़ी ईद को खाएंगे, ये कि भैया आपने बात किसी को बतानी नहीं है, ठीक है, कि वो कहेंगे देखे इन्होंने मैकडोनल्ड्स का नाम लंगर खाना रखा, हम अपने बच्चों को असली हालत बता के अपनी जेब खाली करवानी है। तो ये जी हम लोग फिर इसके बाद पेट्रोल आ गए, देखे हम लोगों को खाने के लिए हमने जो उनसे ज़रूरत है, तो गाड़ी तो पेट्रोल से ही चढ़ती है ना, मेरा भाई दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखता है, एक को दी गड्डी तो एक को दी बुड्ढी, ठीक है, तीसरी चीज़ का कोई नहीं उन्होंने यार, वो कहता है बुड्ढी और गड्डी ए दो जलियाँ चीज़ा ने ना जिंदगी दस, और होना भी ऐसे चाहिए, जीवन साथी जिंदगी का सबसे पहले इंपॉर्टेंस, बाकी कोई है रे, ठीक है, एक गड्डी गड्डी पैसों की लई होती है। तो फिर उसने पहले अपनी बीवी को खाना शाना खिलाया, ठीक है, उसको इंजॉय करवाया, उसके बाद उसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो हम हंस रहे थे भाई भाई पेट्रोल डलवाने गया हुआ था, हम अपनी भाभी को कह रहे थे दो शौक ने साढ़े भरा दे, एक मेरी बुढ़ी जी है 10-4 होनी चाहिए और हंसती मुस्कुरा दी रही, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कहा करें नज़र बस से बचाया करें, अल्लाह ताला सब में प्यार मोहब्बत सलूक दे। तो इसके बाद उसकी गाड़ी, तो तीसरे औलाद तो भाई औलाद तो किसको नहीं प्यारी होती, औलाद सबको प्यारी होती है। और इधर हम हमारे घर के पास ही कब्रिस्तान है और मेरे वालद और वालदा का, तो वालदा का तो फिर मैं अपने भतीजे को सिखा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी इधर से गुजरे किसी का हाथ ना उठाया हुआ तो मैंने हाथ तोड़ देना, तुम लोगों के मेरी माँ के लिए ज़रूर दुआ मांगा करो, वो मेरी माँ है मेरी, तो वो कह रहे थे अच्छा बाजी की माँ के लिए दुआ मांगनी है, मैंने बदतमीज़ आपकी दादी या दादी अम्मियाँ उन्होंने नहीं देखा हुआ, तो सो बच्चों को इस तरह की बातें सिखाया करो। तो जैसे ही हम लोग इस रोड पर पढ़ते हैं ना, हम सब रोड पर, तो मेरा भाई जोन से ना सब
वो साथ ही उसने सॉन्ग्स बंद करने होते हैं और सब ने पढ़ना शुरू कर देता कर देना होता है। उनको पता है कि अगर हमने हाथ ना उठाए तो हम लोग बाजी पीछे बैठी हैं और दो दो मैं फूफो हूँ लेकिन मैं हूँ बाजी। मैं तो इतनी इंसल्ट करती हूँ ना कि बंदे का सही बुरा हाल हो जाता है। और भाई मेरा तो गाने बंद कर दिया, हत्ता कि हमारी जो लाडली तक है ना वो भी हाथ उठाती है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और गल्ला बातें